नमस्कार दोस्तों, गोहिल सोइंग मशीन की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले ब्रेडर एपेस 101 में जो एरर कोड से E1 से लेके E6 तक वो एरर क्यों आती है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो अब हम आपको बताएंगे। ये ब्रेडर की एपेस 101 मशीन है। काफ़ी क्लाइंट्स ने हमको डिमांड की थी कि आप ब्रेडर्स में एपेस 101 में एरर्स आते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो हम पहले E1 की एरर से स्टार्ट करते हैं। ये अभी हमारा मशीन हम चलाएंगे तो चालू है। ये देखिए, ये हमारा मशीन चालू है। अभी हम स्टॉप करते हैं। अभी आपने प्रेशर फुट ऊपर रखा है, ये हमने प्रेशर फुट उठाया हुआ है। अब आप ये स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो आपको E1 की एरर आएगी। देखिए E1, उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी गलती जो हो रही है कि आपने प्रेशर फुट उठा के रखा हुआ है, आप प्रेशर फुट नीचे गिरा दीजिए, आपकी E1 की एरर सॉल्व हो गई। तो आपको पता चलता है E1 एरर कब आएगी, जब आपका प्रेशर फुट उठा होगा और आपने स्टार्ट का बटन दबा दिया या फुट रेगुलेटर दबा दिया है तो ही आपको E1 की एरर आने वाली है। वापस बताते हैं, देखिए मेरा प्रेशर फुट ऊपर है और मैंने स्टार्ट का बटन दबाया, इसके लिए ये एरर आई। मैं प्रेशर फुट जैसे ही नीचे गिरा दूंगा वो एरर क्लोज हो गई। तो ये थी E1 की एरर। अब हम आपको बताएंगे E2 की एरर। अब हम आपको बताते हैं E2 की एरर आपको क्यों आएगी वो बताते हैं। यहाँ पे नीचे बटन होल करने के लिए आपको एक डंडी दी गई है, वो देखिए, अगर आपने बटन होल के लिए डंडी नीचे की हुई है और आप ये डंडी ऊपर करना भूल गए हुए और आप मशीन स्टार्ट करेंगे तो आपको E2 की एरर आएगी। देखिए, आपने बटन होल सिलेक्ट किया नहीं है और आप मशीन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको E2 की एरर आएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो डंडी गिरी हुई है उसको वापस ऊपर कर दीजिए। देखिए ये एरर सॉल्व हो गई और आपकी मशीन वापस स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी थी E2 की एरर। वापस हम रिपीट करके बताते हैं, अगर आपकी ये डंडी नीचे होगी और आपने बटन होल सिलेक्ट नहीं किया होगा डिज़ाइन में और आप मशीन स्टार्ट करोगे तो आपको E2 की एरर आती है। उसका तुरंत ही सॉल्यूशन है, आप खाली उसको डंडी को ऊपर कर देंगे वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अभी हम आपको E3 की एरर के बारे में बताएंगे। E3 एरर जब आएगी, जब आपने यहाँ पे बटन होल की डिज़ाइन सिलेक्ट की होगी, ये 34, 35, 36, 37 से लेके 41 तक की कोई भी सिलेक्ट यहाँ पे होगी, ये बटन होल की सिलेक्शन है और आप फुट कंट्रोल दबाएंगे तो आपको E3 की एरर आएगी। देखिए, हमने प्रेशर फुट लगा, फुट कंट्रोलर दबाएंगे और E3 की एरर आएगी। ये E3 की सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने बटन होल सिलेक्ट करके फुट कंट्रोलर का उपयोग करना नहीं होता है, उसके लिए आपको बटन होल की डांडी गिरा के स्टार्ट बटन दबाना होता है। अगर आप फुट कंट्रोल का उपयोग करोगे तो E3 की एरर आएगी। उसके सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे डिज़ाइन सिलेक्ट कर लीजिए, अब आपकी मशीन चालू हो जाएगी। देखिए ये अपना मशीन वापस सॉल्यूशन हो गया हुआ है। E3 की एरर में आप समझ गए होंगे कि आप बटन होल का सिलेक्शन करोगे और फुट कंट्रोल दबाओगे तो E3 की एरर आएगी। अभी हम आपको बताते हैं E4 की एरर। E4 की एरर में आपका बॉबिन वाइंडर यहाँ पे प्रेस है और आप ये स्टार्ट बटन दबाते हैं, निडल पोजीशन का बटन दबाते हो चालू करने के लिए तो आपको E4 की एरर आएगी। देखिए, आप बॉबिन वाइंडर आपका बॉबिन की साइड पे भरने के लिए है, अभी उसको आपको इस साइड पे नॉर्मल साइड पे कर देना है। अगर आपका बॉबिन फिलअप हो गया है तो उसको नॉर्मल साइड पे कर दीजिए।
तो आपकी ये एरर सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका बॉबिन वाइंडर भरने की साइड पे है और आप मशीन की निडल पोजीशन लेते हो तो आपको ये फोर की एरर आएगी। उसका सॉल्यूशन हमने बताया हुआ है कि आपको ये चेक कर लेना है कि आपका बॉबिन जो भरने का पिन है वो बॉबिन की साइड पे नहीं होना चाहिए, उसको आप नॉर्मल साइड पे कर दीजिए, आपका ई फोर की एरर सॉल्व हो जाएगी। अब हम आपको बताएंगे ई फाइव की एरर। अब हम आपको बताते हैं ई फाइव की एरर। ई फाइव की एरर कब आएगी? ई फाइव की एरर जब आएगी जब आपने फूट कंट्रोल मशीन के साथ कनेक्ट रखा है। यहाँ पे फूट कंट्रोल मशीन के साइड कनेक्ट है और आप यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाएंगे। ये देखिए ई फाइव की एरर जब आएगी जब आप फूट कंट्रोल से उसको ऑपरेट करना चाहते हैं और आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो आपको ई फाइव की एरर आएगी। अगर ई फाइव की एरर आती है तो आप अपना मशीन बंद कर दीजिए और फूट कंट्रोल निकाल दीजिए। मशीन बंद करके आप अपना फूट कंट्रोल की जो पीछे अटैच किया हुआ है वो निकाल दीजिए और वापस मशीन चालू कर दीजिए। ये देखिए, अगर आपको मशीन फूट कंट्रोल से चलाना है तो स्टार्ट बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टार्ट बटन से दबाना है तो फूट कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपकी ई फाइव की एरर आती है। अब एक लास्ट एरर है ई सिक्स की एरर। ई सिक्स की एरर ऐसी है कि हम आपको प्रैक्टिकल नहीं बता सकते। कहीं पर भी आपका धागा फंसा है, मशीन जाम हो रही है, कहीं पर भी टेकअप लीवर में या बॉबिन केस में कहीं पर भी आपका धागा फंस चुका है तो और मशीन जाम हो रही है तो आपको ई सिक्स की एरर आएगी। ये हमने ब्रदर FS101 की एरर कोड्स जो काफ़ी क्लाइंटों ने हमें डिमांड की थी उसके लिए हमने ये पूरा एरर कोड्स के लिए पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा तो हम इसके ऊपर आप आगे काफ़ी वीडियो बना पाए। और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।